भाई मेरी कटिंग को थोड़ा सा जज मत करना है, बहुत गंदे काट दिए ना इन्हें, मैं बीच में ना वो बार कटवाने चले गए। तो अभी फिलहाल फरीदाबाद जा रहा हूँ भाई, मेन हाईवे पे हूँ और अब KMP पे घूम के जाना पड़ता है। जो हमारा शॉर्ट कट था ना, तो हम टोल के आगे चढ़ जाते थे, वो अनफॉर्चुनेटली बंद कर दिया यार इन्होंने, रेलिंग लगा दी और गड्ढा खोद दिया, जबकि वो गांव वालों के लिए ही था। पता नहीं उनको क्या हुआ, उन्होंने क्या कोई रील फील वो देख ली मेरी वीडियो क्या देख लिया मालिक जाने यार, अननेसेसरी बंद कर दिया। पहले इतना शॉर्ट कट होता था, मतलब ये मान लो कम से कम भी 15 मिनट का फेर पड़ गया है, अब घूम के आना पड़ता है और ये लगा लो टोल देना पड़ता है करीबन 150 रुपये अब। और एक और चीज़ और क्या है, एक तो टाइम और किलोमीटर बढ़ गए, मतलब बहुत हेर फेर है यार। पहले फरीदाबाद में 15-20 मिनट में पहुँच जाओ, अब थोड़ा सा 1.5 घंटा लगता है। तो ये जो टोल प्लाजा है ना, पहले इससे उधर साइड हम लोग चढ़ जाते थे, बट अब अनफॉर्चुनेटली वो बंद हो गया। चलो मैं आपको कट दिखाता हूँ, वो इतना प्यारा कट था और हमारा काम इधर किधर है कहीं, तो मैं ऐसे आ जाते थे सीधे सट, लेकिन अब वो बंद कर दिया तो कोई ऑप्शन नहीं है, फिर घूम के आना पड़ता है KMP से चढ़ो, फिर वहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वाले लो, फिर इधर टोल दो 50 रुपये खैर इसका तो मात्र, तो फिर थोड़ी दिक्कत लगती है बस। ए यहाँ पे था वो कहीं पे, कहाँ यूरो ना है यूके सर, हाँ ये रहा देखो पर अभी साइड में कैसे जाऊँ, ये देखो बड़े बड़े इन्होंने वो रख दिए है, क्या बोलते हैं इनसे, सीमेंट के सही है। बाइक भी जाने को ना छोड़ो, देखना यार रेलिंग लगाई हो तो तोड़ दी लगाए लोगों ने, अरे गलत है यार। अच्छा भला क्या हो रहा था, गांव वालों के लिए सही तो था यार, जब भी लोकलों का वो नहीं लगता खामा खाई की। तो भाई अब हम आ गए थे यहाँ पे फरीदाबाद, भाई से मिलने अपने। और संदीप भाई कैसे हो? बढ़िया भाई सुनाओ। बढ़िया भाई, हमारे यश भाई हमारे साथ है, यश भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई। तो भाई कहाँ का प्लान है, फाइनली वृंदावन का प्लान बन ही गया? भाई मैं इन दोनों से इतने दिन से कह रहा था कि चलो चलो चलो, आज बन गया है ना, रॉक कर देंगे, रॉक एंड फॉक। देपोला तो कैसे, देपोला चलो बल्लमगढ़ से निकल भाई, इंस्टेंट प्लान है एकदम, देखना 9:40 में यार वो अरुण आपके फेवरेट बाबा जी, तो उनको क्या नाम है, अरे हमारा के पास चलेंगे ना सीधे, उनसे मिलेंगे आ जाना, फेवरेट उसी टाइम पे हम पहुंचेंगे। हां उनसे ही मिलेंगे आज, चल के देखते हैं, हम भी जीत उतरा ये करेंगे, राधे राधे भाई, ये तो करना ही चाहिए सबको भाई, ये तो बेस्ट है यार। चलो भाई फटाफट दो, हमारे यहाँ से 1-1.5 घंटे का रास्ता है बस वृंदावन को, ज्यादा देर ना लगे भाई, होगा मतलब भाई, भाई, भाई बैठा ना तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, मतलब आधा पौन घंटा गोड़ होते थे। हाँ ये तो है, तनिष चल नहीं रहा, घर वाले उसको भेजते नहीं है कहीं भी, पूछ ली मैंने, बहुत कह रहा यार घर वाले ना मारेंगे तुम और बात कर लो, मैंने कहा भाई भाई अब मा गोड़ोते गांव में एक और भाई है लेने अपने मामा गांव में ही, और मामा घर जस्ट यूरो मामा घर जाके तो उठा रहे और दोस्त राम राम सुना अपनी शक्ल दिखा थूत भाई, ये मेरा बॉडीगार्ड है भाई, ये हमारा बॉडीगार्ड भाई आ चुका है संदीप भाई का, संदीप भाई हां जी मामा के फोन में उठा रहा है, नरेंद्र संदीप उठ जाएंगे खामा का चमक नहीं सोए दम में जा जाएंगे, हां ये 9 बजे सो जाएं ऐसे, तो भाई चलते हैं अब, देव ले लिया हमने यहाँ से, मामा का फोन ना उठा रहा, और वैसे भी कल ही हो क्या है, मतलब आज ही आया वृंदावन से, तो ये मनाही करेगा वैसे भी, थक गए होएगा हार गए होएगा, मैं कहा छोड़ 11 तो हमें यहीं बच गए यार, तो कहा दिक्कत है, दिक्कत तो कुछ ना है, चलो रास्ता है यहाँ से तो कुछ भी ना है, होटल दे तो यार। भाई पहुंच गए वृंदावन, यहाँ जगह देख के आगे देख के चलान कटा था हमारा, यहीं अपने इस पे रोटी वोटी खा लेते डिनर टाइम अपना, ये लगवा रहा है अपना पार्किंग में ढंग से, आराम से खाना खाने चलते हैं अपना। तो भाई अब रोटी खाने के लिए आ गए यार, देख लो तो भाई अब 1:30 बज गए हैं, अब खाना खाने के लिए आ चुके हैं, सुबह ही ब्लॉग बना रहा हूँ और सुबह ही बना रहा हूँ, और तो यहाँ आ गए भाई श्री बाके बिहारी जी फैमिली ढाबे पे, यहाँ बढ़िया क्या लगवाए हमने खाने के लिए, परांठे तंदूरी परांठे, छुपा के खाने पीने में शर्म का है। भाई हमारे परांठे आ चुके हैं, पराठे आलू प्याज के, संदीप भाई का एक्स्ट्रा मक्खन के साथ। हेलो नमस्ते जी, तू बात कर रही है? तो भाई 2:30 बज गए, हमको ये रूम मिल चुका है, ये देखो 1500 रुपया में, और कहा लोगे एसी चल रहा है। यस पार्सल भाई ठीक ठाक हो जी? बढ़िया जी बढ़िया, बहुत दिख रहे हो आप तो भाई, 16 रुपये एसी कर लियो संदीप भाई ने, गर्मी ऑटोमेटिक हो 16 रुपये। देख मैं तेरे कुछ दिखाता हूँ, दिखा कैमरा ठीक है। सोना में तो रात गुजारनी है, सुबह तो दर्शन करने, होली खेलनी है, लत्ते लेके आए ना चार्जर कुछ भी नहीं है भाई, नथिंग जीरो,
हेलो भाई, गुड मॉर्निंग, मैं अरुण पवार इंट्री आपका भाई खड़ा है, वो बैठ लेट रहा है वृंदावन में भाई, और एक भाई वहां सो रहा है, इसको यहां जगह मिली, मैं इस बेड पे बारवा की 150 रुपए की सकर दिखा दे, तू मुझे तारीफ करा को मैं कपड़े लाता कपड़े। 10:17 हो रहे हैं और हम लोग उठ चुके हैं, वो जल्दी उठ गया था तो नीचे जाके शॉपिंग कर लाया, हैप्पी होली की टी शर्ट खरीद लाया 150 रुपए की, 150 में 150 में और हैप्पी होली लिख रही है भाई इसके ऊपर। 200 बोल रहा था, मैंने उससे बोला 150 रुपया देगा, फिर उसने कहा ओके लेगा। भाई यार ने पूरी रात एसी चलाया और ठंड लग गई हमें, तो कह रहा भाई एसी चला यार, एसी बिना नींद ना आएगी, गर्मी लगे। तो अब चलते हैं वृंदावन में, माहौल देखते हैं, हैप्पी होली वगैरह कैसी बन रही है और भीड़ कितनी है। मेन तो घर वालों का फोन आया, भीड़ बहुत है, संभल के आइए भाई। ये बढ़िया है, देखो कोई थैला ना कुछ ना, पहली बार ट्रिप पे ऐसी चीज अपना चेकआउट कर रहे हैं, देख लो। या मैं या किसी से वो यस की टी शर्ट पड़ी है बस एक, वो जो नहीं लेके आए तुम देखने के लिए। नई बार तो पहली है भाई, पुरानी बात भाई, ये होटल है, घर है, क्या है, कैसा अलग से सिस्टम है तो यार। भाई लिफ्ट में इससे दिक्कत होती है संदीप को, लिफ्ट में नहीं जाता भाई। मैं एक बार बंद रहेगी लिफ्ट बीच में, करूं मन ललचा हुआ है, वह तो घबरा हुआ है, फिर मन घबरा लगा हुआ है, एक बार बंद अटक गई बीच में लिफ्ट। हाँ तो तू कब भी ना बैठ लिफ्ट में, फिर ना ऐसे बैठ जाऊँ, विश्वास इन पर विश्वास ना हो ना ऐसे लिफ्ट में, करूँ ए आ जा क्या, हम ना फंसेंगे तेरी गैल, फंसेंगे तो आ जा, जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे साथ साथ, कोई तो पैदल आ रहे आज भाई कमाल कर रहा, आ जा भाई रात के बीच इंडियन हमें सिस्टम है, लिफ्ट से कितना डर लगा भाई। आपने हाइट फोबिया देखा होगा, वाटर फोबिया देखा होगा, पर ऐसा फोबिया लिफ्ट का अंधी हो गई यार। भारी अच्छा ठीक है भाई, हमने शॉपिंग कर ली है वृंदावन से, यहाँ पे देखो टी शर्ट हमारी चेंज हो चुकी है। चलो भाई आओ और अब गाड़ी पे चलते हैं, पूछ रहे मतलब फोन करके। ये रही अपनी बीस्ट, फटाफट लेके इसको होते हैं भैया फरार। देखो भाई वृंदावन का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है, होली खेल रहे हैं दुनिया भर के लोग बाग, सुहाग गाड़ी हमारी घूम, हरे कृष्णा। और भाई थोड़ा सा ब्रेकफास्ट मार लेते हैं, पुष्पाल कश्यप की वेज बिरयानी सही है। वैसे भाई देखो ये प्रेम मंदिर रात ना इतनी भीड़ तो नहीं है, मतलब यार ब्रो रात को रहती है प्रेम मंदिर भीड़। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, ये देखो राधे राधे, बहुत अच्छा प्रेम मंदिर, ये रात को ही खुलता है ना, ना खुल रहा लगा, खुल तो रहे होगा पर रात की ज्यादा भीड़ रहा है भाई, रात भाई बहुत दूर दूर से लोग आते हैं एमपी से और मतलब बहुत दूर दूर से, और अब तो भाई वृंदावन ये लगा लो भाई, अब इनकी बहुत लड़ाई हो गई है, एक जना कह रहा है राधा वल्लभ से चलो, एक जना कह रहा है अरे हमारी बात ही ना माने कोई, क्यों ना माने बात है भाई, यही गाड़ी पार्क कर दी है क्योंकि आगे जाने नहीं देते, ऑटो वगैरह जाओ तो बढ़िया है, उतार दो क्यों, क्योंकि अंदर मंदिर में जाओगे पहन के छपरी ओए चप्पल उतार चले गो यार, मेरे तो नहीं हो रहा, कहते ब्रांड न्यू अभी ली है 2 दिन पहले चुरी की, तो अरे मेरी चप्पल एक नई ली मैंने वहां थे जो दो दिन ली, वहां कुत्ता लेके बंदर पे थे एक चप्पल उठा के उपाय ना उनने खत्म कर दी, कैसी बेकार सेंटर फ्रूट है, फोर्थ कॉपी सेंटर फ्रूट खवा दियो आ जाओ। अब भाई जैसे देखो मेरे पैरों में चप्पल है, इन दोनों के पैरों में चप्पल है, हमारे यश के पैरों में चप्पल नहीं है, अब इसका मतलब ये मत समझना भाई ये बहुत बड़ा भक्त है या इसलिए ये नहीं पहन रहा, एक्चुअली बात ये है इसकी प्यूमा की है 2500-2000 रुपए वाली महंगी वाली, इसे उनको ले जाए जब तक नंगे पैर दर्शन ने किए तो क्या किए, बोलो राधे राधे, सही कह रहे हो तेरा कसूर। तो भाई अब हम जा रहे हैं अपना बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने, नहीं कहीं और ले जा रहे भाई, कहाँ पे राधा वल्लभ जी बैक टू घर हो चुके हैं भाई, दर्शन वगैरह हो गए हमारे बहुत बढ़िया, उसके बाद हम आ गए, इतनी भीड़ थी भाई देख लो, शाम हो गई हमको, टाइम तो बहुत ज़्यादा लग गया, और वहाँ भाई इतने बंदर थे
फोन निकालने से डर लग रहा था कभी बंदर ले जाए, फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब लेकिन मानते हैं, और मैं फोन वोन निकाला ही नहीं, मैं बढ़िया दर्शन करके आ गए और अब निकल चुके हैं अपने घर की तरफ फाइनली, बरसाने की तरफ। कहाँ बरसाने की तरफ? बरसाना। वैसे यार हमने होली तो खेली ना, देखना कोई है ही नहीं जैसा रील्स वगैरह में हवाबाजी में दिखा। मैं बरसाने में जाए हो? बरसाने में हाँ। अरे मैं यहाँ की कह रहा हूँ वृंदावन में भाई, कहीं कोई ऐसा हो ही ना कि ओ भैया कलर उछल रहे हैं, चलो भाई हमने तो इनको दे रखी है गाड़ी, ये तुम चलाओ, हम लिटिल लिटिल काम कर लेते हैं, पहुँचा तो जहाँ तुम्हारा मन भाई। अब हम वहाँ बरसाने वगैरह नहीं गए, राधा रानी ने बुलाया ही नहीं, लेट बहुत हो गए, मंदिर बंद पाता। चलो ओके भाई, टी शर्ट तेरी ये लगा है मेरी है, देखो रुक जा, यू है तेरी ले। चलो ओके ब्रो, ओके भाई से जाना, ठीक है चल। भैया फिर सबको उतारो तूर के, हम तो आ गए घर पे अब रेस्ट करने के लिए, वहाँ पे तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। तो ये देखो मेरे को आते ही क्या सरप्राइज मिला है रूम में, ये लगवाया था कल आकाश ने लगवा दिया था, ये वाला टीवी पहले सेलेक्ट किया था भाई मैंने। अब इसके ऊपर से ना ये आई ग्लॉस है, पन्नी से उछलेगी तब इसकी शाइन निकल के आएगी। बाय द वे लगता कैसे है वो मैं आपको साइड में चल के बताता हूँ। ये देखो ये पहले ये लगता है पीछे बोर्ड सा, और ये बोर्ड फिर इसको लगेगा। क्या लगा रहा है भाई साहब? इससे क्या होगा? लाइट से इसमें एलईडी चलेगी, पता भी ना चलेगा। एलईडी चलेगी चाहे पीछे लाइट? हाँ जी। हाँ ये टीवी पैनल ऐसे होल वाली ना, ये अच्छे लगते हैं भाई, दिखाता हूँ। और इसके ऊपर फिर आपकी जो एलईडी टीवी रहती है वो लग जाएगी। फिर आपको ये सोच के वापस बच के आए भी हद के कुछ पर मतलब काम भी ले रखो है काम ना भाई, बस शीशा लगाए हैं पहले हमने लगाती है। अच्छी लगेगी भाई देखो, पर तूने एक ध्यान ना दियो टीवी भी तो ब्लैक रहे तो फिर चलो अच्छा। तू मतलब हर चीज ऐसे क्यों करता, फैंसी फैंसी डिब्बा फिब्बा हर चीज, कोई कोई चीज सिंपल सोबर प्लेन भी अच्छी लगती है ना, है ना? अच्छी लग रही है भाई एकदम मस्त तगड़ी लग रही है।